आज की जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें हमने जैसे कि आपको बताया कि दिल्ली के अंदर 22 दिसंबर 2017 को लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर सीलिंग शुरू हुई थी और ये डिफेंस कॉलोनी मार्केट में इन्होंने सारी की सारी मार्केट को सील कर दिया था। उसके बाद में हमारे ज्वाइंट सेशन हुए, 27 जनवरी को हमारा तीनों निगमों का ज्वाइंट सेशन हुआ क्योंकि बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सेंटर में वो है, तो हमने उनको ओपनली कहा कि आप इन व्यापारियों को बचाने के लिए कोई भी पॉलिसी लेके आएंगे इसमें हम आपका सपोर्ट करेंगे। और हैरानगी की बात यह है कि जो पॉलिसी अजय माकन जी के टाइम पे आई थी उस पॉलिसी को इन्होंने मानने से मना कर दिया। और जब 21 जून 2018 को नोटिफिकेशन आई तो उस नोटिफिकेशन में वही बातें लिखी गई जो कि ऑलरेडी अजय माकन जी अपने समय पे पास कर चुके थे। इन्होंने बड़े बड़े उसके अंदर एक कन्वर्जन चार्ज को वेव ऑफ करा कि एलएससी के अंदर आप कन्वर्जन चार्ज नहीं चार्ज कर सकते। उसके अलावा इन्होंने एफआईआर बढ़ाने की बात करी कि एफआईआर इसको हम 350 कर देंगे। और उसके बाद में एसडीएमसी की स्टार्टिंग से और जितनी भी हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इनकी स्टार्टिंग से मंशा नहीं थी कि ये इस गैजेट को फॉलो करें। अगर इन्होंने इस गैजेट को जो पहले अजय माकन जी के टाइम पे गैजेट था फॉलो करा तो दिल्ली के अंदर एलएससी के अंदर सीलिंग होती नहीं। उसके बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बैक टू बैक चिट्ठियां लिखी डीडीए को कि इस गैजेट नोटिफिकेशन के अंदर चेंजेस करी जाए। और इसका मेजर रीजन ये था कि पिछले 6 से 7 सालों में 1000 करोड़ रुपए कन्वर्जन के नाम से तीनों कॉर्पोरेशन ने कलेक्ट करा है और उसमें से अप्रोक्सीमेटली 110 करोड़ रुपए जो है वो लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बिहाफ पे आया है। और आप सब हैरान होंगे जब 21 जून को ये नोटिफिकेशन आई थी तो हमारे एलएससी के जितने भी शॉप ओनर थे उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर हरदीप पुरी जी की और इनके जितने भी सांसद हैं उनकी बड़ी बड़ी फोटो लगा के लाखों रुपए प्रचार में, क्योंकि इस पार्टी को प्रचार करना ही आता है, प्रचार में उन्होंने इसको पैसे को वेस्ट करा। और उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे फंक्शंस मंत्री के करे, सांसदों के करे और धन्यवाद करा, हमारे यहाँ पे निगम में आके उन्होंने मेयर का धन्यवाद करा, परंतु बीजेपी इस गैजेट को मानना नहीं चाहती थी। तभी इन्होंने बैक टू बैक मीटिंग्स करी। और हैरानगी की बात यह है जब ये मीटिंग्स डीडीए के साथ हो रही थी इस मीटिंग के अंदर हमारे अब के मेयर नहीं, अब के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ही एक्स मेयर सुभाष आर्य जी एसडीएमसी को रिप्रेजेंट करते थे। जितनी भी चिट्ठियां डीडीए से आई उन चिट्ठियों ने बहुत स्पष्ट लिखा था कि इन द मीटिंग हेल्ड विद सुभाष आर्य जी। पहले तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सुभाष आर्य जी हमारे बड़े हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, बट सुभाष आर्य जी को किस कैपेसिटी में साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑथराइज करा कि आप हमको रिप्रेजेंट करें डीडीए को? और मैं दूसरा सवाल ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट से, स्टेट प्रेसिडेंट से, जो ये चुन के हीरे इस बार लेके आए हैं साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, क्या इनमें से कोई केपेबल नहीं है इतनी बड़ी मीटिंग में बैठने के लिए? क्या आज भी आप अपने एक्स मेयर के ऊपर डिपेंडेंट है? क्या हमारे करंट जो हमारे 80 चुने हुए निगम पार्षद बीजेपी के हैं, क्या उसमें से कोई भी केपेबल नहीं है मीटिंग में बैठने के लिए? उसके बाद डीडीए ने दो बार क्लेरिफिकेशन लिखी और बहुत स्पष्ट डीडीए ने लिखा कि इस कन्वर्जन चार्ज को आप नहीं चार्ज कर सकते और ये सारा का सारा पैसा आपको एलएससी ओनर्स को विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इन्होंने दोनों इनकी जस्टिफिकेशन को मानने से मना कर दिया। और उसके बाद कमिश्नर महोदय ने पता नहीं किसके प्रभाव में आके एक बहुत बड़ी चिट्ठी लिख दी कि 1000 करोड़ रुपए साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कन्वर्जन के नाम का जमा हो चुका है और इस 1000 करोड़ रुपए में बहुत सब्सटेंशियल अमाउंट एलएससी की है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ 1000 करोड़ रुपए में सब्सटेंशियल अमाउंट कितनी होगी? 400 करोड़, 500 करोड़, 600 करोड़? केवल और केवल 110 करोड़ रुपए एलएससी से आज तक साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आया है और इस पैसे से केवल मार्केटों में पार्किंग और अच्छी सुविधाएं बननी चाहिए थी। आज तक साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इस पैसे से एक भी मल्टी लेवल कार पार्किंग नहीं बनी, किसी भी मार्केट की अपग्रेडेशन नहीं हुई और यह सारा का सारा पैसा एस्क्रो अकाउंट वो होता है जो एक पर्पस के लिए बनाया जाता है। ये बहुत स्पष्ट था, जो कन्वर्जन का पैसा ये इलीगली ले रहे थे उसको वो ले नहीं सकते थे और उस पैसे का वो दुरुपयोग नहीं कर सकते थे। नॉर्थ में और ईस्ट में तो इस पैसे से उन्होंने तनख्वाह दे दी और साउथ में भी हो सकता है इस पैसे को उन्होंने ऊपर नीचे घुमा दिया हो। आज जो पैसा जिसके ये केवल एक केयर टेकर थे और उस पैसे को इस गैजेट के बाद इनको वापस देना था क्योंकि ये पैसा ये गलत जगह इस्तेमाल कर चुके हैं, खर्च कर चुके हैं, इसकी वजह से इन्होंने एक लेटर लिखा कमिश्नर ने बीजेपी के दबाव में कि इस गैजेट को ना माना जाए और जो प्रोविजंस साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के माध्यम से एलएससी ओनर्स को मिले उन बेनिफिट्स को विड्रॉ करा जाए। और आज कमिश्नर के लेटर के बाद डीडीए ने चिट्ठी मंत्रालय में भेजी और मंत्रालय ने एक लेटर इनको लिख के दिया है कि गैजेट के अंदर जो कन्वर्जन चार्ज का नोटिफिकेशन है कि कन्वर्जन चार्ज नहीं चार्ज कर सकते उस नोटिफिकेशन को रद्द करा जाए। और अब जिस गैजेट के लिए हम सब ने लड़ाई लड़ी थी, सब दुकानदारों ने लड़ाई लड़ी थी, कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी थी और जो गैजेट को हम लेके आए उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया और इलीगल तरीके से करा है।
ये कभी भी हाउस में नहीं आया, ये कभी स्टैंडिंग कमेटी में नहीं आया, ये बैकडोर में इस आप काम को चोरी छुपे करा गया है। अगर इनकी मंशा सही होती तो बिना हाउस के, क्योंकि साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है किसी भी निगम में हाउस सुप्रीम होता है, बिना हाउस के इतना बड़ा डिसीजन लिया ही नहीं जा सकता और ये डिसीजन एकदम इनवैलिड होना चाहिए, इसको विड्रॉ करना चाहिए और